एकदम हैंड वाले जाएंगे। दोस्तों देखिए कविता जी इतना सारा बना ली है, पिसा रहा है बढ़िया से जी। हाँ जी बढ़िया अच्छा लगा, बढ़िया लगा ना। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोग को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सावन महीने में आप लोग भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज सोच रहे हैं कि संडे है तो बहुत ही जबरदस्त चीज हम लोग बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ खास हो जाए आज संडे में। तो आज क्या चीज कुछ खास बना रहे हैं जी? खापरा रोटी बनाएंगे। अच्छा आज खापरा रोटी। तो हाँ। दोस्तों अभी कविता जी बोल रही है कि आज खापरा रोटी बनाएंगे क्योंकि आज संडे है तो बढ़िया बढ़िया चीज खाने का मन कर रहा है। हाँ तो अभी दोस्तों चावल फूलने दे रही है कविता जी, देखिए नाप रही है शेर से। शेर है इसको गांव में दोस्तों हम लोग शेर बोलते हैं इसको। और ये मतलब पहला एगो होता है, इससे बड़ा होता है, उससे छोटा है, इसको शेर बोलते हैं। तब इसी से नापेगी चावल। चलिए नापिए। एक शेर हो गया। इस तरह का हम लोग गांव में दोस्तों इसी तरह से नापते हैं कोई भी चीज, अगर चावल या तो फिर हाँ चाहे आटा वगैरह भी इसी तरह के नाप के मतलब देते हैं, सानते हैं इसको। तो इसी तरह का हमारा गांव में चलता है। तो अभी दे रही है। अच्छा हाँ तो मतलब ये साफ है ना जी? पोछा लीजिएगा। तीन शेर देखिए कविता जी नाप ली है और अभी पोछने जा रही है। हाँ हो गया जी, हो गया। चलिए फूलने दे दीजिए। इसको मेरखू बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए खुदी है, छोटा छोटा है, इसको मेरखू बोलते हैं। ये सब जो है मुर्गी खाती है बहुत बढ़िया। तो अभी तो मुर्गी इधर नहीं है, इसको रख देते हैं इधर कोई जगह में बढ़िया जगह। आप फूलने के लिए दे दीजिए जी। हाँ दे रहे मेरखू को भी रख दे रहे हैं, खुदी को यही शेर में ही रख दे रहे हैं, बाद में मुर्गी को खाने के लिए दे देंगे। तो ये फूलते रहेगा जी, अभी दे के छोड़ दीजिए है ना। हाँ जी। हाँ चलिए तो थोड़ा देर फूलने के लिए छोड़ दीजिए। हाँ 5-10 मिनट में भी फूल जाएगा। कहा कि दोस्तों ये अरवा चावल है, फूलने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। दोस्तों देखिए अभी सूप धो रही है कविता जी और ये देखिए चावल भी फूल गया है शायद। फूल गया ना जी? हाँ ये देखिए दोस्तों पूरा फूल गया, 5-10 मिनट में पूरा बढ़िया से फूल जाता है। तो चलिए जी छाँकिए, पूरा एकदम मस्त से फूला हुआ है, छाँक लीजिए। उसके बाद में फिर सूखने दे दीजिए। हाँ, है ना। हाँ। दोस्तों देखिए चावल सूख गया है पूरा और अभी कविता जी पीसना भी स्टार्ट कर दी। देखिए पूरा एकदम मस्त सूखा हुआ है, अभी अच्छा से पिसाएगा। देखिए पीस रही है, अभी पिसा रहा है बढ़िया से जी। हाँ जी। हाँ तो उसको पीस लीजिए तो है ना। पीसिए तो हम इसमें चाल देंगे। हाँ, क्या? हाँ चाल दीजिए। ठीक, ये देखिए दोस्तों इतना चाल लिए हैं पूरा, देखिए इतना हो गया चुनी और कविता जी का इतना पिसा हुआ बाकी अभी है, इतना पीसना क्या जी? हाँ। उसके बाद हो जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ ये तो पिसा हुआ जैसा लग रहा है जी, उठाइए आप, हम इसको चाल लेते हैं जल्दी से। देखिए पूरा मस्त चुनी बन गया। चलिए जी उठाइए। देखिए पूरा लक्ष्मी कितना मस्त से खेल रही है। लक्ष्मी एकदम मस्त खेल रही है ना, चम्मच ले ली है हाथ में और पूरा खेल रही है अच्छा से। चम्मच मत खाना बेटा, जीभ में कटा जाएगी, ऐसे मत करो। दे दिए जी? हाँ दे दिए। हाँ हम चाल रहे हैं। देखिए दोस्तों इतना पूरा पीस लिए, इतना चुनी हो गया। अब हम लोग चलते हैं चूल्हा में बनाने के लिए। चलिए जी। चलिए चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी चूल्हे में और ये देखिए कविता जी पूरा चूल्हा को बढ़िया तरह से लीप ली है और अभी आग जलाने जा रही है। हम लक्ष्मी को रखे हुए हैं तो देखिए हम लोग सारा सामान भी ले आए हैं। देखिए ये तावा हो गया और ये हो गया ढकनी, इसी से पकाएंगे अभी। देखिए अभी मतलब दोस्तों हम लोग जो जिलेबी जिस तरह का बनाते हैं उस तरह का हम लोग को गुड़ वाला हम लोग खपरा रोटी बनाने वाले हैं। तो गुड़ उसको सबसे पहले हम लोग इसको बढ़िया सा पाक बनाएंगे, उसके बाद में उसी में डुबा के हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुड़ को पाक होने के लिए दे दिए हैं, मतलब वो कढ़ाई चढ़ाए हैं अभी। आग जलाने के बाद में यहाँ पानी गर्म होगा तब गुड़ को डाल देंगे। दोस्तों देखिए पूरा आग जल गया एकदम बढ़िया से और कढ़ाई भी गर्म हो गया है।
तब इसको पानी दे देते हैं, यहाँ पर गर्म होगा पानी। पानी डाल दिए, अब गुड़ को डाल देंगे पाग बनने के लिए। चलिए जी डालिए, निकालिए ना रोटी है। ये देखिए दोस्तों गुड़, इस तरह का हम लोग का गांव में इधर मिलता है गुड़, तो हम लोग इसको अभी पाग होने के लिए दे देंगे। यहाँ डाल दिए, एक ठो और है, डालिए जी। ये दे दिए दोस्तों, ये 10-15 मिनट में ये पाग बन जाएगा। तब तक हम लोग आग जला ले रहे हैं अभी, तो ये पाग होने के लिए छोड़ देते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों पूरा देखिए गुड़ कैसा पिघल रहा है। हम चटुआ से इस तरह का चला दिए तो पूरा मस्त एकदम बन गया। देखिए पूरा एकदम देखिए इस तरह का गुड़ का लाठा आप लोग देख पा रहे होंगे चटुआ में। और ये पानी देखिए, पानी का कलर कैसा हो गया ये गुड़ का कलर से। आप इसको थोड़ा देर और छोड़ देंगे, ये मस्त पाग बन जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी तरह से पाग बन गया है। आप इसको उतार देंगे और हम लोग खपरा रोटी पहले बना देंगे, उसके बाद में यहाँ फिर डालते जाएंगे। तो चलिए जी बन गया, अब उतारिए। बन गया, हाँ उतारिए उतारिए जी। हाँ उतरा रहे हैं। हाँ पूरा सूख जाएगा, ये तो उतार दीजिए ना। हाँ थोड़ा सा पानी दे दीजिए गर्म होने के लिए। हाँ दोस्तों देखिए पानी गर्म हो गया है, अब पानी को उतार देंगे। और ये जो तावा है हम लोग का मिट्टी का तावा, इसको चढ़ा देंगे यहाँ चूल्हा में, ये गर्म होते रहेगा। मिट्टी का तावा है तो चढ़ाएंगे तो गर्म होगा। हाँ उसको छोड़ दीजिए जी, इतना गर्म होते रहेगा। और आप चूनी को सान लीजिए। ये देखिए दोस्तों पानी अभी डाल रहे हैं। और पानी दीजिएगा जी, और लगेगा। इस तरह का घोल बनाना पड़ता है दोस्तों, पूरा मतलब बढ़िया से, उसके बाद में ये बनता है। तो ये देखिए इस प्रकार से घोल बना रही हैं कविता जी। ये देखिए दोस्तों तवा पूरा गर्म हो गया है और अभी कविता जी देने जा रही है। ये दोस्तों ये जो गोरगोरा रोटी जो पिछले बार बनाए थे उसी तरह का बनेगा, लेकिन वो ऐसे ही बनाए थे। अभी इसको जो है ये खपरा रोटी को गुड़ के साथ में बनाते हैं, ताकि ये और भी अच्छा टेस्टी लगता है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए हम लोग गुड़ को पाक कर लिए हैं, अब इसको बनाने जा रही है। उसी तरह प्रकार से डालेगी जिस तरह का गोरगोरा रोटी को बना रही थी उस तरह, क्या जी उसी तरह ना बनेगा? हाँ इसी तरह। हाँ तो अभी देने जा रही है, देखिए पूरा अभी डाल दी और ढक्कन को फिर ढक देगी। ढक्कन है, हाँ ये ढक्कन है, उसको इस तरह वो उसमें क्या होता है कि सीधा है बढ़िया से इसमें, और इस थोड़ा सा पानी दे दी ताकि बढ़िया से जो है सीझेगा, वो पूरा भाप बनेगा तो बढ़िया से सीझेगा, इसीलिए उसको ढक दी है वैसा। तो अभी बनने के लिए छोड़ दिए हैं, अभी मोटा मोटी 2-3 मिनट लगता है उसको सीझने के लिए, पकने के लिए। अब पक गया होगा दोस्तों, अब इसको उठा रहे हैं। देखिए जी इसको निकाल करके ढक्कन को उठाई, ये देखिए पूरा मस्त से पक गया है दोस्तों। देखिए सूख गया, फूल गया भी है, फूल भी गया है बढ़िया से, बहुत बढ़िया बना हुआ है ये एकदम। यहाँ डुबाले जाएंगे, देखिए दोस्तों अब यहाँ इस तरह का डुबाते जाना है, इसीलिए इसको पाग पहले कर लिए हैं, ताकि जैसे उधर से उठते जाएगा और यहाँ पकते मतलब फिर से पाग होते जाएगा, पाग में डूबते जाएगा तो बढ़िया फूल जाएगा और पूरा इसमें रस घुस जाएगा। अभी अभी फिर दूसरा बार देने जा रहे हैं। फिर ढक्कन को ढक देंगे और फिर थोड़ा सा पानी दे देंगे। देखिए दोस्तों पूरा कैसा मतलब ये रस पी रहा है पूरा रोटी ठो घुस रहा है पूरा रस, जिसको खाने में पूरा तो मजा आता है सर। ये देखिए दोस्तों पूरा फिर से पक गया है, ये फिर से ढक्कन उठा रही है, देखिए पूरा सीझ गया अंदर पूरा। देखिए इस तरह का छेदा छेदा हो जाएगा तो समझिए कि ये पूरा पक गया है। चलिए जी उठाइए, देखिए फिर आप से डाल दिए। और ये देखिए दोस्तों पहले जो डाले हुए थे उसको दीजिए जी, चटवर को दे दीजिए। पहले जो डाले हुए थे दोस्तों देखिए पूरा पाग हो गया है, देखिए इसमें पूरा घुस गया,
अब इसको जो है छाँक करके यहाँ पर थाली में रखते जाएंगे। देखिए रख दिए हैं थाली में और इसको फिर से बढ़िया से डुबा देते हैं। और अभी फिर से कविता जी दे दी हैं। दोस्तों देखिए कविता जी इतना सारा बना ली है और अभी थोड़ा सा इतना बाकी है अभी पकाने के लिए। और यहाँ पर देखिए अभी फिर चढ़ा हुआ है तो फिर अभी बन ही रहा है। हाँ चलिए जी इसको देखिए पक गया होगा। वो पक गया है, देखिए फूल गया है, फूल गया है और पूरा छेदा छेदा भी हो गया है ना जी। आराम से उठता है इस तरह का, पकने के बाद में वो अपने आप बढ़िया से उठ जाता है। देखिए डाल दी है तो इसको बना के कंप्लीट कर लीजिए जी। हाँ है ना, चलिए दीजिए। फिर से दे दी है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ढक्कन दे रहे हैं, फिर ढक्कन डाल दे रही है। ये पानी दे दीजिए बस बस। और इतना ही है ना जी, और कै गो बनेगा इसका? पाँच छः गो बनेगा, बन जाएगा ना। हाँ। अच्छा दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। उसके बाद में फिर तो इसको खाने में टकाटक मजा आएगा। क्या ये? हाँ जी। तो चलिए जी बना लीजिए इसको। हाँ बना रहे। ये देखिए दोस्तों इतना लास्ट बचा हुआ है, एक ठो बनेगा, अभी देने जा रही है लास्ट। उसके बाद में ख़त्म हो गया, देखिए पूरा बना लिए। देखिए इतना सारा हो गया है, देखिए इतना सारा पूरा बन के रेडी है। ये देखिए दोस्तों हमारा फाइनली बन गया पूरा। इसको बोलते हैं गुड़ वाला खापरा रोटी ना जी। हाँ दोस्तों गुड़ वाला खापरा रोटी हम लोग का फाइनली बन गया है। और बाबू देखिए अभी चला रहा है, अभी गुड़ पानी के चला रहा है। तो चलिए जी अब हम लोग को तो बन गया। हाँ। अब हम लोग दोस्तों हम लोग अब इसको खाने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये कैसा मतलब कि देखने में लग रहा है। दोस्तों हम लोग को तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर इतना अच्छा देखने में लग रहा है तो खाने में ये कितना मजा आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली अब खा के आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा खा के उठने के बाद में पता चलेगा कि कैसा बना हुआ है। तो हम लोग खाने जा रहे हैं अभी। लीजिए जी खा के टेस्ट कीजिए। बाबू खाएगा? ऊपर में उधर होगा। अच्छा हाँ बाबू सादा वाला खाने जा रहा है। देखिए सादा भी बना दिए हैं तो बाबू सादा वाला खाएगा। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज बना हुआ है, हम लोग खाने जाकर जा रहे हैं। कैसा लगा जी खाए? बढ़िया लगा ना। बाबू देखिए पूरा एकदम बड़ा सा रोटी मुंह में ले लिया है, देखिए ये खा रहा है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगा सही, मतलब कि आज इसको बोला जाता है मतलब गुड़ वाला खपरा रोटी। तो दोस्तों चलिए आप लोग भी खाने के लिए जल्दी से आइए। और चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, और फटाफट आप लोगों को कैसा लगा हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।